नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। फार्म हाउस में संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश, दूसरे शख्स ने मृतका को बताया पत्नी, असली पति के आने के बाद खुली पोल। कोरबा जिले के ग्राम बुंदेली में स्थित एक फार्म हाउस में महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इधर एक शख्स मृतका को अपनी पत्नी बताते हुए घटनास्थल पर मौजूद रहा, लेकिन असली पति के आने पर उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। मामला रजगामार चौकी का है। जानकारी के मुताबिक मृत महिला को अपनी पत्नी बताने वाला नकली पति राजेंद्र दास ग्राम बैगिनरभार का रहने वाला है। वो विकास शर्मा नाम के शख्स के फार्म हाउस में कई सालों से काम कर रहा है। इधर मृतका गापा बाई भी उसके साथ काम करती थी। गुरुवार को जानवरों को गापा बाई जब दाना दे रही थी, तब वो अचानक गिर गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, वहां राजेंद्र मृतका को अपनी पत्नी बताने लगा। जब उसका असली पति जिला मान सिंह अस्पताल पहुंचा, तब जाकर उसके झूठ का खुलासा हुआ। मृतका के भाई ने बताया कि उनके असली जीजा का नाम मान सिंह है, जो बुधवारी में निवासरत है। पिछले कुछ सालों से उसकी बहन गापा बाई फार्म हाउस में काम कर रही थी। इनके दो बच्चे भी हैं, जो बुधारी में रहते हैं। पारिवारिक विवाद के बाद उसकी बहन अपनी मायके आ गई थी। रजगामार चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि राजेंद्र दास ने महिला को अपनी पत्नी क्यों बताया, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। नकली पति ने पुलिस के सामने भी अपनी गलती कबूल कर ली है। इधर पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत की सही वजह का पता चल सकेगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।